तो बेसिकली हम लोग बैंगलोर में हैं और आज हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई. सो दिस इज स्मिथ और मैं बहुत टाइम बाद फाइनल जॉब में ब्लॉग कर रहा हूँ. बट आज बहुत मीटिंग हमारी कैंसिल हो गई. सो वी डिसाइडेड आर होटल इज नेक्स्ट टू द रेस कोर्स और यहाँ पे रेस है. सो वी डिसाइडेड कि आज हम अंदर से देखते हैं कि रेस कोर्स में होता क्या, डर्बी हॉर्स रेस में होता क्या है. सो लेट्स फाइंड आउट. सो बेसिकली देर आर लाइक 2-3 एंट्रीज. वन इज़ कि अगर आपको ऑन ट्रैक जाके रेस देखना है तो 250 रुपये है. देर इज़ ऑल्सो 500 का टिकट जहाँ पे बुकीज होते हैं हु हेल्प यू प्लेस योर बेट्स. और यहाँ पे यहाँ पे बेसिकली पीपल कम. ऑब्वियसली रेस देखने हमारी तरफ कोई नहीं आता, सब बेट करने आते हैं ज़्यादातर. We are here to watch the race. So this is the sitting area. And a large population जो आ रहा है वो आई थिंक गैम्बल करने ही आ रहे हैं. ऑब्वियसली हम रेस देखने आए बेटिंग करने के लिए. वहाँ पे जो मैंने एक काउंटर्स थे वहाँ पे जाके आपको बेट लगानी होती है. एंड आई विल शो यू द रेस कोर्स. दिस इज हाउ इट इज. सो दैट्स द 500 रुपीज़ वाला स्टैंड. हमने 250 का ग्रैंड स्टैंड का टिकट लिया है. इसमें देख, सो दैट्स वेयर द 500 वाला है. चलो ऊपर जाके देखते हैं. सो यू कैन सी रेस का लाइव होने वाला है. वहाँ से अनाउंसमेंट भी हो रहा है और यहाँ पर आप टीवी पे भी देख सकते हो. यू कैन गो फाइंड आउट हाउ टू प्लेस अ बेट एंड ऑल दैट इन अ बिट. हमें किसी ने हेल्प करी ये पूरा चीज़ समझने में. ये जो नाम रहता है ना द वाइन स्ट्रीम प्लेट, ये मतलब रेस का नाम रहता है. ओके, कुछ नाम दिया जाता है सबको अलग अलग रेसेस के नाम. हाँ, तो आज कितने रेसेस हैं टोटल? आज 8 रेस हैं. हाँ ओके, तब ये 145 का ये रेस. ये 145 पीएम का स्टार्ट होएगा. ये 1400 मीटर का रेस है. ओके, ये घोड़े का नाम है, ये घोड़े का बाप है, ये घोड़े की माँ है. ओके, ये ट्रेनर है, ये जॉकी है. ओके, ये जो वेट है ना ये जॉकी का वेट है. ये जो इक्विपमेंट और सब मिला के वेट डालता है वो वेट है. ओके, ये पेनेटोमीटर जो ट्रैक में रहता है ना. हाँ, पानी कितना है, गर्मी कितना है. ओके, वो रेडिंग है पेनेटोमीटर. 99 रेस में इसका ये फोर पेनेटोमीटर. 411 घोड़े का वेट है. हाँ, सब पेनेटोमीटर है. बराबर, ये घोड़े का ऑनर है. ऑनर भी यही है, ट्रेनर भी यही है. फिर उसके बाद में ये लास्ट कौन सी मीटर में भागा था वो वाला है. ओके, ये सब रेस नंबर है. अब ये रेस नंबर जो ये एक नंबर है, ये 96 है ना. ये यहाँ पे नंबर है. ओके, ठीक है. उसके बाद में ये सब वेट है. इधर 60 डाला ना, ये 56 55. अब सारा इक्विपमेंट मिला के वेट, राइट. ये है रेटिंग. घोड़े को एक रेटिंग दी जाती है. घोड़ा अगर जीतता है ना उसकी रेटिंग बढ़ाता है, और नहीं जीतता तो रेटिंग कम करता है. फिर ये कितने लेंथ से जीता था वो है सब. वाओ, 6 लेंथ. ओके, तो ये सब मैट्रिक्स का आप यूज़ करके डिसाइड करते हो कि आप किस कौन जीत सकता है अभी. इसके बाद में ये टाइमिंग है. घोड़े का जो टाइमिंग रहता ना गेट से निकलते विनिंग पॉइंट तक जो टाइमिंग रहता ना वो टाइमिंग है. ये विनर का टाइमिंग है. ये जिसके साथ जो सेकेंड हुआ था उसका टाइमिंग है. ओके, ये जो जॉकी है सब. ये जो 12 और 5 लिखे हुए ना, ये जिस गेट से निकला था वो गेट है. अब ये 4 गेट से निकलेगा, वो लास्ट टाइम 12 गेट से निकला था. ओके, लास्ट टाइम ये एलुमिनियम है ना, इसका जूता रहता ना. हाँ, वो जूता है. एक एलुमिनियम आता है, एक स्टील आता है. ये मतलब एलुमिनियम है. कहीं 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 पे स्टील भी रहता है, तो स्टील यहाँ पे लिखा हुआ रहता है. ओके, फिर ये जो नाम है ना, ये इस घोड़े के सामने जो जीते थे ना वो घोड़े का नाम है. अच्छा, ओके ओके, इतना ही. उसके बाद ये बुक भी हर रोज़ नई बुक बनती है हर रेस में. सो बेसिकली वीकली या बाई वीकली रेस होता है. हाँ, आज जैसे कल मुंबई है तो मुंबई का रेस रहेगा. अच्छा, मुंबई में होगा मतलब जो बॉम्बे डर्बी है वो. ओके कूल, तो आप मतलब आप ये बुक्स देख के यहाँ से फिर बेटिंग प्लेस करते हैं जो विंडोज़ है वहाँ पे. ओके, सो हमें इन्होंने हेल्प करी रेसी समझने में, बुक्स कैसे पढ़ते हैं वो समझाने में. लेकिन इनका ये कहना है कि वो बुक्स पे नहीं जाते, वो रेसिस देखते हैं पुरानी वीडियोस और उसके ऊपर से डिसाइड करते हैं कि घोड़े का क्या होगा.
मतलब, और उसी तरफ से बेट करते हैं एंड इनफैक्ट इट्स बीन वेरी सक्सेसफुल, जैसे वो हमें बता रहे कल की रेसेस में आपने अच्छा खासा यू नो 2000 रुपये लगा के 18,000 रुपये कमा लिए। सो द आइडिया इज़ कि एक टिकट का प्राइस होता है 10 रुपये। सो जो स्क्रीन पे जो मैंने आपने फोटो दिखाए उसमें स्क्रीन पे जो लिखा है वो, अगर आप 10 रुपीज़ बेट करोगे तो आपको, और वो घोड़ा उसमें जीत गया, WNP मतलब विनर, SHP मतलब सेकंड प्लेस, THP मतलब थर्ड प्लेस, और PLP मतलब 1, 2, 3 कोई भी प्लेस में आया तो वहाँ पे जो अमाउंट लिखा है 10 रुपीज़ की बेट पे आपको उतना मिलेगा। सो जैसे अभी एक पे 8 नंबर पे 46 है WNP, तो अगर 8 नंबर फर्स्ट आ गया और आपने 10 रुपये लगाए तो आपको 10 का 46 मिलेगा, 10,000 लगाए तो 46,000 मिलेगा। सो ही वन 18,000 फ्रॉम जस्ट 2,000, तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब हम भी सिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच आपको हमें सिखाने के लिए। बाकी स्मिथ अभी सोच रहा है कि क्या करेगा, बैट लगाएगा, नहीं लगाता बैट बस हम पहली रेस अभी शुरू होने जा रही है 5 मिनट में एंड विल सी कैसा होता है, बताते हैं आपको। ओके सो 9 नंबर के घोड़े पे 57 है PLP। बेसिकली ऐसा सजेशन दिया ये भैया ने कि 9 नंबर देख लो, तो हम देख रहे हैं 145 की रेस में अगर हमने 9 नंबर के घोड़े पे 10 रुपीज़ लगाया होता तो, और वो अगर फर्स्ट सेकंड या थर्ड आ गया तो उसका 57 रुपीज़ मिलेगा। लेट्स सी 9 नंबर आता है कि नहीं, विल सी। स्टार्ट होने वाला रेस वो बड़ी स्क्रीन पे देख रहा है। अच्छा रे स्टार्ट हो गया। तो 9 नंबर घोड़ा है मेरा, पता नहीं चल रहा है। People are excited. ₹1400 की रेस है, 800-700 क्रॉस हुआ। यहाँ पे आएंगे, अच्छा उधर से भागे। ओके हॉर्सेस शुड कम हियर समवेयर, दैट इज द विनिंग बूथ। कौन जीता? 12 नंबर जीता। ओके 12 नंबर विन सिक्स, उधर 12 नंबर फर्स्ट आया, 6 सेकंड आया और 8 नंबर दिया, तो हमारा 9 नंबर नहीं आया इसमें भाई, चांस दिया। हाँ सो बेसिकली 9 नंबर जो हम सोच रहे थे वो घोड़ा तो बहुत बुरी तरह से हारा, बट 12 नंबर जिसके ऑड्स थे विनिंग के 118, सो जिसने 10 रुपये लगाए उसको 118 रुपीज़ मिला, 100 रुपये लगाए तो 1180 रुपये मिला, 1000 रुपये लगाए तो 11,000 मिला। सो यू मेट दी अदर गाय बिफोर, उसने इसी तरह से वो बोलता है कि वो सोच समझ के लगाता है और एंड ही मेक्स मनी फ्रॉम इट। नाउ ही सेज लाइक कि बहुत पैसा है इसमें, स्टार्टिंग में उसने कुछ 7-8 लाख रुपये का लॉस किया, लेकिन अब वो हर सीजन में कुछ 2-3 लाख रुपये कमा लेता है बिकॉज ही पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू दिस। So this is like we have made a career out of it. Right, right. Now so the second race that is going to happen after half an hour is like ki bachcho ki race. So I asked what does it mean? So he told me ki horses that are younger than 3 years. So 3 saal ke andar wale horses. So that's bachcho ki race. And I asked ki yaar koi ladies nahi dikh rahe. So if you know women come, it's like they come on the derby day. So these are all small races. Today is some police cup something. It's a very small race. Windstream plate, right, that's the name. So on derby days when there are like, you know, like very very big horses, like some named famed horses are racing, today there is one
छठी रेस या फिफ्थ रेस है जिसमें सिर्फ चार घोड़े दौड़ेंगे, दैट्स काइंड ऑफ लाइक अ डर्बी. सो ही इज लाइक ही तब यू सी अदर पीपल ऑल्सो, बट वी माइट नॉट सी देम हियर बिकॉज वी आर इन द 250 वाला जोन. इट्स गोइंग टू बी देयर इन द 500 वाला जोन ऑल्सो. इफ यू स्टेप आउट नाउ एंड वॉन्ट टू कम इन, वी हैव टू पे अनदर 250 रुपीज फॉर एंट्री. सो वी आर गोइंग टू फाइंड अ स्नैक प्लेस हियर इनसाइड एंड ईट समथिंग. वी हैवंट हैड लंच बट वी आर नॉट गोइंग. We're going to watch a couple of more races and then the baby horse race. Yeah, baby horse race. So fan favorite घोड़ा 8 नंबर है. इन्होंने आज 1 नंबर पे second आने के लिए लगाया है bet. 1 नंबर घोड़ा second आएगा और हम लोग तो 7 नंबर 1-2-3 में कहीं पे आएगा ऐसा सोच रहे हैं. तो let's see क्या होता है. मेरा मानना है कि 8 नंबर जीतेगा नहीं, वो first नहीं आएगा. आएगा, चलो देखते हैं 8 नंबर first आता है कि नहीं. बहुत एक्साइटेड हो गया. एट नंबर केम फर्स्ट, ही वॉज राइट, उन्होंने बोला था. और एक नंबर का घोड़ा नहीं जीता. सेकंड जो आया वो 2 आया और थर्ड जो आया वो थर्ड घोड़ा आया, 3 नंबर आया. सो इन ये भी नहीं जीते और हमने जो सोचा था वो भी नहीं हुआ. बट एनीवेज थर्ड रेस क्या है? 9 नंबर का घोड़ा थर्ड रेस में. और कितने लोग घोड़े दौड़ रहे हैं थर्ड में? 12 घोड़े. 12 घोड़े दौड़. कितने बजे? आधे घंटे के बाद 2:45. सो हम बेसिकली नीचे आए. यहाँ पे अदर काउंटर्स है, मिनिमम बैट 100-200 रुपीज के काउंटर्स है. तो हमें भूख लगी है, हम कुछ खाने जा रहे हैं. सो लेट्स सी, बट देयर इज फ्रूट्स खाने के लिए एंड देन देयर आर अदर. दीज आर ऑल द पीपल हु आर बेटिंग टुडे. दिस वाज अ नाइस रेस. फर्स्ट आया 8 नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर. 7 नंबर पे हमने लगाया था, वो आते आते सोच रहे थे ना हम लोग की हो जाएगा, आते आते रह गया, 4th आया बेचारा. सो द फूड इज नाइस, मतलब सपोज टू बी एज गुड एज इट इज. कुछ मिल रहा है वही बड़ी बात है यार. ऐसा तो कोई जेल में थोड़ी ना है, जेल का कैंटीन लग रहा है. पैसे दे के खा रहे हैं, फ्री में थोड़ी ना खा रहे हैं. 50 रुपये की डिश होती है. यू कैन हैव लाइक पूरी सब्जी, परोठा, रोटी, कर्ड राइस, घी राइस, दाल राइस. दाल राइस नहीं, वाइट राइस है विद सांभर राइस. सो या बेसिकली इंजॉय. यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है. बुक्की वाली साइड पे भी भीड़ है एकदम, हमारी साइड भी भीड़ बढ़ गई है. सी और हम ना आज का रेस, अभी ये थर्ड रेस जो 1 मिनट में शुरू हो रहा है वो यहाँ से देखेंगे. घोड़े की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हो. ओके द रेस इज अबाउट टू बिगिन. जॉकी वॉकी लग गए. अपसेट है. एनी टाइम नाउ दे आर हैविंग प्रॉब्लम विद 12 नंबर गेट. ऑलराइट हमने कौन सा सोचा है? 13, 6 नंबर, 12 नंबर और 3 नंबर. हाँ एंड रेस इज ऑन. एंटना कौन जीत रहा है? इधर समझ ही नहीं आ रहा यार, इसे घोड़े से तो समझ ही नहीं आता कौन सा नंबर आ गया. यहाँ पे आ रहा घोड़ा 792. 9 फर्स्ट आया, 9 सेकंड आया और 2 थर्ड आया एंड 9 दैट अदर दैट गाय ही सेड 9 उसका घोड़ा जीत गया. हमने 612 सोचा था, 3 भी सोचा था, कुछ नहीं आया. 3 वॉज इन द लीड एंड देन 10 टू कोवर एंड देन 3 इज कहीं नहीं है, गायब ही हो गया मतलब. सो हम लोग अभी 2 हॉकी प्लेयर्स को मिले जो पंजाब से थे, उनकी कल मैच है. तो यहाँ पे आए थे ये सोच के कि उनको घोड़े के अस्तबल देखने मिलेंगे, ट्रेनर से मिलना मिलेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं. उनको पता भी नहीं थी रेसेस कैसे चलते. हमने बात करी, हमने जो सीखा उनको बताया एंड दे आर लीविंग आई थिंक. वो ये रेस देख के जाएंगे, 10 मिनट में जो रेस है वो देख के जाएंगे. इसमें इस बार कौन सा नंबर लग रहा है तेरे को? 5 नंबर. 5 नंबर जीतेगा, सबसे कम ऑड्स उसी पे. तो स्मिथ सीख गया बिकॉज पिछली बार ऐसा हुआ था ना, 2 बार से ऐसे हो रहा है जिसके सबसे कम ऑड होते हैं वो जीतता है.
ठीक है, 5 नंबर रेस जीतेगा, मैं बोलता हूँ 6 नंबर जीतेगा घोड़ा रेस, ठीक है, ठीक है, चलो। तो बेसिकली इसको जगह को बोलते हैं बैंगलोर टर्फ क्लब। सो हर जगह पे इनका जो हॉलमार्क लगा है उसमें 3 लेटर है, BTC। हम तो वही देख के अंदर आए थे कि BTC क्या होगा। BTC से बैटिंग हो रही है यहाँ। BTC से बैटिंग करेंगे ना, फीस में ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। 10 रुपये की टिकट खरीदने के लिए 2000 रुपये की फ़ी देनी पड़ेगी। सही में लाइटनिंग नेटवर्क शायद चल जाए। जो रेसेस है वो अभी बेटर कैटेगरी की होती जा रही है, तो नाउ द कमेंट्री इज ऑल्सो चेंज, इट्स गेटिंग बेटर। इसके बाद जो रेस है उसमें सिर्फ 4 घोड़े दौड़ेंगे, उसको डर्बी है वो, मतलब वो बहुत ज़्यादा सॉट आफ्टर रेस है अपेरेंटली। और ये भी बहुत सॉट आफ्टर रेस है, 12 घोड़े दौड़ रहे इसमें। एंड द कमेंट्री इज एक्चुअली बेटर नाउ, द हॉर्सेज आर ऑन देयर वे। दिखा दो मैं आपको, कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन आ गया यार, ये एक्सपर्टीज हमारी कैसे, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कौन आ गया। तो नंबर आ रहे हैं, नंबर 1 आ गया, 5 नंबर थर्ड, ओके 5 नंबर फर्स्ट है, 5 नंबर फर्स्ट है। स्मित यार तेरा ना घोड़ा आगे चल रहा है यार, 4 नंबर है और 1 नंबर। Five is still in the lead. Okay. आने वाले घोड़े हमारे सामने। भाई सब फिफ्थ इज टेकन द लीड। घोड़ा घर कभी नहीं मेरे साथ बैठा है वो। तो ये 4 घोड़ों की रेस है, दिस इज 4 horse race, अपेरेंटली अ वेरी बिग डील। ओके, सो इन 4 races यू कैन बेट ऑन 1st, 2nd, or 3rd विनर, एंड वेन यू बेट ऑन दैट प्लेस थिंग वेर देर कुड कम इन 1, 2, or 3 प्लेस, इन 4 horses इट्स ओनली फॉर 2 places। सो इन इफ यू बेट ऑन प्लेस एंड अ हॉर्स कम्स 1st or 2nd यू विन, इफ ही कम्स 3rd देन यू डोंट। सो दैट्स व्हाट इट इज। Smith is not enjoying the race, he's just in. So this is going to be our last race, we're going home. Obviously meeting cancel hua tha, lekin kaam abhi bhi baki hai. So we go home and then start working. But it was a fun experience. Let's see the final race, aapko ghode dikhata hu, bahut nazdeek hai. See the horses over there. Let me zoom in. See, you can see the horses here. So it's a 2000 meter race, it's going to go full circle. And it'll be fun, full circle. तो मेरा ध्यान ही नहीं रहा, रेस स्टार्ट हो गया। आई डोंट नो हु इज अहेड। ओके, 3 is ahead, 1 is 2nd and 2 is 3rd, बट दिस इज लाइक अ फुल सर्कल, सो उसमें स्टेमिना कम हो सकता है घोड़े का, और उसके आगे कोई भी निकल सकता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अरे ये बीच में कहाँ ले आए, 3 is still ahead। Too much interest from people. Come on, Rakshay! Easy, Rakshay! Okay, the horses are coming here soon. वो बीच में आ गया, दैट रेस वॉज लाइक इनकॉम्प्रिहेंसिबल फॉर मी, बट मैन द हॉर्सेज दे वर वेरी क्लोज, इट वॉज सो कूल। सम पीपल वन लाइक अ लॉट ऑफ मनी,
He was like jumping around in the stadium. It's crazy. I really honestly thought that 4 number will come first. But he came second. 3 number came first. It was pretty cool. It was very, very cool. The favorite was... The favorite was 2 number did not come first. It came third. So, it didn't even win place. So, it's pretty cool. Yeah, abhi bhi call pe. We're going home now. I think we're done. It's pretty cool. So, overall, this was fun, entertaining. You should not bet money because 99.99% chances are that you're not going to win it. But it's for entertainment. So, if you want to bet, like, you could just go 10 rupees or 100 rupees and just watch your horse lose or win and have fun. That's it. So, that was the Bangalore race course. Bangalore Turf Club BTCL. And we are signing off now. See ya. Bye. Do subscribe to the channel so you don't miss on another vlogs. I'm gonna make some more of these.